अगली खबर की तरफ। लखनऊ से खबर, बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक है। लोकसभा प्रभारियों के साथ होगी ये बैठक। हारी हुई लोकसभा सीटों के प्रभारियों के साथ ये बैठक होगी और इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। कोर कमेटी की बैठक में बीएल संतोष भी हिस्सा लेंगे। सुबह 11 बजे कोर कमेटी की बैठक शुरू होगी और देखिए बेहद अहम ये बैठक। हारी हुई लोकसभा सीटों के प्रभारियों के साथ बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे ये बैठक होगी, कमेटी की बैठक। और अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्या जानकारी सामने आ रही है इस बैठक को लेकर? देखिए शांतनु, आगामी लोकसभा चुनाव है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं लगातार बैठक कर रहे हैं। बीएल संतोष दो दिन के लखनऊ के दौरे पर है, जहां पर कल उन्होंने बीजेपी कार्यालय में बैठक की थी, तमाम मुद्दों पर मंथन हुआ था। आज वही बीएल संतोष दोबारा 11 बजे बीजेपी के मुख्यालय में बैठक करेंगे, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम शामिल रहेंगे। और इसमें बात की जाए, जो महत्वपूर्ण बात है वो जो लोकसभा भारतीय जनता पार्टी की जो हारी हुई लोकसभा सीटें हैं उस पर इसमें मंथन होगा। बीएल संतोष ने 21 जो क्लस्टर सह प्रभारी बनाए हैं वो लगातार जो हारी हुई सीटें हैं बीजेपी की उस पर लगातार ये काम करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। यानी कि ये समझ लीजिए कि महाजन संपर्क अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में जाएगी। जो इनके लोकसभा के नेता हैं, सांसद हैं, ये लगातार लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। जी बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से लोकसभा सीटें जो हारी हुई सीटें हैं अरविंद, खासकर उन पर फोकस किया जा रहा है कि उन सीटों पर किस तरह से बढ़त बनाई जाए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और इसी वजह से हारी हुई जो सीटें हैं उनके प्रभारियों के साथ ये बैठक की जा रही है ताकि उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बढ़त जो है वो बना सके। इसको लेकर क्या जानकारी, क्या रणनीति इसको लेकर बनाई जा रही है? देखिए बिल्कुल शांतनु, जिस तरह से बीएल संतोष जो है लखनऊ के दौरे पर है तो ये दौरा ही काफी महत्वपूर्ण है। लगातार जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, जो हारी हुई लोकसभा सीटें हैं, जो उनके नेता हैं, सांसद हैं, उनके साथ आज बड़ी बैठक होगी, उनको जीत का मंत्र देंगे। किस तरह से लोगों के बीच में जाए और किस तरह से क्या कमी रहेगी पिछले चुनाव में, क्या वजह रही कि जो लोकसभा सीटें ये लोग हारे हैं, तो उसको लेकर लगातार मंथन होगा। तमाम पदाधिकारी से पदाधिकारी और मंडल से भी तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे और तमाम ऐसे नेता हैं जिनसे बीएल संतोष की बैठक नहीं हो पाई थी, वो आज बैठक में शामिल रहेंगे। ठीक है अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।